जब तक गुंडों को, स्मगलर्स को, आतंकवादियों को सियासी ताकतों से शह मिलती रहेगी, जनता की नजरों में बदनामी पुलिस की होगी। हालांकि पुलिस मजबूर है, इसलिए जब कभी गैंग वॉर शुरू होती है तो पुलिस अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है। मरने मारने तो मुजरिमों को आपस में ऐसे ही, इसमें कानून का कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही फायदा है। रवि, तुम मेरे साथ बाजार चलो। कामना को जब भी मैं पूछती हूँ कहती है रीसेल में जाना है, रीसेल में जाना है। रीहर्सल नहीं श्रीमती जस्टिस सोमनाथ, रीहर्सल। चलो रवि। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप सौदा खरीदते वक्त बड़ी खिचखिच करती है। गले में खिचखिच, कुछ लेती क्यों नहीं भैया, प्लीज। अच्छा एक काम करो, मुझे बता दो क्या क्या लाना, मैं जाकर ले आता हूं। रुपए की चीज 5 रुपए में नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग तो घर लुटा दोगे। और तुम 5 रुपए की चीज 1 में लाकर किसी दूसरे का घर लूट लो तो ठीक है। हाँ, वो चलेगा। अभी कुछ मैं बोल दूंगी, इसे कहो मेरे साथ चले। पिताजी मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं वहां जाके क्या करूंगा। भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, घर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मैं भी नहीं टाल सकता। लेकिन पिताजी मैं वहां जाकर क्या करूंगा, वहां सब हंसते हैं लोग मुझ पर। दिस इज एन ऑर्डर। रवि तुम्हारा फोन है। किसका है? किसी लड़की का है। लड़की? लड़की? लड़की है। लड़की? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। क्यों नहीं? एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस है, 1 गर्लफ्रेंड अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अरे फोन तो ले। हाँ। अरे देख के देख। हेलो रवि, मैं मधु बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हो? मुझे क्रिमिनोलॉजी की किताब चाहिए थी, मेरे पास थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। वो मेरे पास है, मैं कल कॉलेज में। नहीं, 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 मुझे अभी जरूरत है, मैं लेने आ जाऊँ। नहीं तुम यहाँ मत आना, बिल्कुल मत आना। देखो मैं प्याज, मैं टिंडा, नहीं मैं खा जा रहा हूँ। हाँ मैं वेजिटेबल मार्केट जा रहा हूँ। तुम वेजिटेबल मार्केट? या पापा, पापा आप इसमें गिरे कैसे? वो किताब यहाँ से तो पापा फिर गिर जाओगे। मैं भी उल्टा हो गया और तुम भी उल्टी हो गई। क्या मतलब? बचपन में मैं तुम्हारा मुंह साफ किया करता था, अब तुम मेरा मुंह साफ कर रही हो। ये लो किताब, क्रिमिनोलॉजी, इसी के बारे में तुम फोन पे बात कर रही थी ना। पापा वो फोन तो सिर्फ एक बहाना था रवि से मिलने का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये रवि कौन है? रवि कौन है? रवि वही रवि जिसकी छवि की कभी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा? ये कौन है? हाँ वो आकांक्षा और अभिलाषा की मुंह बोली बहन। अभिलाषा मुंह बोली? तुम मुझे क्या हिंदी सिखा रही हो? ओ पापा, आप मेरे पापा है ना, मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। वैसे आप हिंदी में बड़े कमजोर हैं, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी में एक चीज लिख के देती हूँ। आप ये पहेली हल करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये लीजिए, अभी मैं, ओ हाँ, वेजिटेबल मार्केट जा रही हूँ। वेजिटेबल मार्केट? O V E L, ओवेल, V E L O, वेलो, नहीं नहीं, E V O L, ओवीली, नहीं नहीं, V O L E, वोली, वो क्या होता है? L O V E, लव। Hey, my daughter is love. Love, love, love. Vegetable market? अरे क्या भैया जी, अभी तो गए हफ्ते 8 रुपए किलो थी और आज 16 हो गई। माँ जी पिछले हफ्ते में 1 बच्चे का बाप था, अब 2 बच्चों का बाप हूँ। चुप। अच्छा ये पालक कैसे दिए? पालक 1 गड्डी के 2 रुपए। 2 रुपये? हाँ 2 रुपए। चल रवि। अजी माँ जी क्या हुआ, आपको कितनी पालक चाहिए? 6 गड्डी चाहिए। 6 गड्डी? अच्छा 6 गड्डी के 10 रुपए दे देना। 6 रुपए दूंगी, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। नहीं नहीं इससे ज्यादा कम नहीं हूँ।
मम्मी हाँ। बाकी सब्जी अगले महीने ले लेंगे। अगले महीने चलो। हाँ देख वाह बहुत अच्छी सब्जी है। चल 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 रवि। अरे मेरी माँ, मेरी माँ साथ में रवि। आया माँ। रवि सुनो तो, देख कितनी ताजी भिंडी है। माँ जब तक तुम भाव करोगी सब बासी हो जाएंगे। अरे तुम कौन है, यहाँ से चली जाओ। रवि आया माँ। रवि मेरी बात तो सुनो। रवि माँ क्या कर रहा है? आया माँ। रवि थैला लेकर आ। आया माँ। मेरे करेले भी चले गए, मेरे टिंडे भी चले गए। मैंने तुमको कहा था बताओ, चली जाओ। माँ ने देख लिया शाम होता है। वादा करो कि तुम मेरे साथ चलोगे। आ जाऊंगा। कहाँ? कहाँ? अरे रवि कहाँ? अरे ये कैसे गिर गया? माँ वो थैला हाथ से गिर गया। लेकिन कैसे? मुझसे टकरा गए थे, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। हाँ कल लेक पर। ये लो। की लेक पर? ये लेक पर क्या? माँ लेक पर उसके पिताजी की आलू की खेती है, बहुत अच्छी खेती है। चले माँ। मधु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। तो हम उनकी परमिशन ले लेंगे। कैसे? तुम चाहती हो मैं जाके पिताजी से बात करूं अपनी शादी के बारे में? नामुमकिन। तो मैं कर लूंगी। तुम? फिर हो गई हमारी शादी। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। हमारे यहाँ माँ बाप लड़की पसंद करते हैं, लड़का लड़की पसंद करके नहीं लाता। तो क्या? टेलीग्राम। टेलीग्राम मधु, तुम मेरे साथ धीरे धीरे चलो। अपनी आंखें मुझ पर जमाए रखना और बाकी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मतलब? मैं क्या अंधी हूँ? करेक्ट, प्यार में सब अंधे ही होते। ठीक है। रीता हाँ मुझे जरा चूटी काट दो। क्या? अरे मुझे चूटी काटना, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे इतनी जोर से नहीं बाबा। और अभी भैया कामना तुम ये क्या कर रही हो? रेसल कर रही हो? कामना ये मधु। हाँ मधु। और ये मेरी मेरी मोटी बहन, छोटी बहन, क्या नाम है तुम्हारा? कामना। अच्छा भैया, शाम को घर आते वक्त 5-10 किलो मिठाई लेते आना, क्योंकि तब तक मैं ये खुशखबरी सबको सुना चुकी होंगी। कामना देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कामना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये काम करो तुम, ये 100 का नोट लो। और ये नहीं, ये तो ऐसे कोई बात नहीं, कोई मैं रख लूंगी, मैं रख लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे ये तो मेरी। अच्छा काम करो कि मेरा और मधु के बारे में किसी को? कभी नहीं, कभी नहीं। वादा? इन नोटों ने तो मेरा मुंह बंद कर दिया है। लड़की का नाम क्या है ये मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? हाँ वो मैंने किसी से वादा किया है ना कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसलिए। तुमने वादा कुछ ना कहने का किया है ना? एक कागज और पेन दीजिएगा भाभी। ना लिखने का तो नहीं ना? हाँ लिख तो मैं सकती। जी जी जी। हाँ MAD मैड। रवि के साथ जो लड़की थी पागल थी क्या? अब प्यार में कौन पागल नहीं हो जाता। ओफ रुको ना भैया, अभी नाम पूरा ही नहीं हुआ है। मधु। माँ जी उस दिन जिस लड़की का फोन आया था ना वो यही थी, मधु। सब्जी मंडी में वही होगी। लड़की है या भिंडी तोरी? मोहित जी, दादाजी जरा अपने चाचा को बुलाओ। जी पिताजी। रवि ये हम क्या सुन रहे हैं? जी वो तुम उस लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। नहीं मैं। लेकिन शादी का फैसला हम लड़की से मिलने के बाद ही करेंगे। वो मैं कल उसे यहाँ बुलाओ। जी कल तो वो। दिस इज माई ऑर्डर। उसे पता नहीं चल। चलो चलो पोजीशन। आ गए आ गए आ गए। चलो चलो स्टाइल में। क्या? ओ हाँ मधु, ये हमारी बहुत प्यारी। नमस्ते। भाभी ये मधु, मधु ये। हाँ। पिताजी। मधु बाबूजी
ये रोना धोना किस लिए? बाबूजी, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ बाबूजी। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं मर जाऊंगी बाबूजी, मैं मर जाऊंगी। तुम प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ मैं रवि से। प्यार करती हो तो प्यार ही मिलेगा बेटी, हमारा सारा परिवार प्यार में विश्वास रखता है। इधर आओ। मैं? हाँ तुम इधर आओ। जाइए। जी पिताजी। हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों को पति पत्नी बनने का आशीर्वाद देते हैं। ओके। हाँ। तुम्हें आज कसम खानी होगी, कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे रवि। क्यों बे ओ नपुंसक, प्रिंसिपल से हमारी शिकायत करता है और खुद लड़की के साथ रोमांस करता है? मधु, अग्रवाल, जज होते हुए तुम क्वीन के साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। अपना घोड़ा वापस ले जाओ, नहीं तो मेरा वजीर मार देगा उसे। रवि, ओ नो, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे? विनोद और उसके साथियों ने रवि को बहुत मारा, लेकिन रवि ने उन पे हाथ तक नहीं उठाया। आपकी दी हुई कसम किसी दिन इसकी जान ले सकती है। सोमनाथ, जो कसम तुमने रवि को दी थी वो तुम्हारे दिल का डर था कि कहीं रवि के हाथों खून ना हो जाए, और तुम्हारे इस डर ने रवि के अंदर के फर्मा बरदार नेक और शरीफ इंसान को बेड़ियों में जकड़ दिया। वो रवि जो अपनी बहन की जरा सी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो रवि जो अपने टीचर के खिलाफ एक गलत जुमला नहीं सुन सकता था, आज उसे अपने बाप के खिलाफ, अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ सब सुनना पड़ रहा होगा। यहां तक कि आज वो खुद अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकता, क्या ये इस पे ज्यादती नहीं है? तुम्हारी कसम किसी पर हमला ना करने के लिए तो हो सकती है, किसी का हमला रोकने के लिए तुम मना नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? रवि बेटा, सांप का जहर इंसान की जान लेता है, उसकी फुंकार नहीं, लेकिन लोग उसकी फुंकार से ही डर के दूर भाग जाते हैं। मेरी कसम इसलिए नहीं है कि तुम अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी का गला घोट दो, मेरी कसम तो सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। मैं तुम्हें फुंकारने से नहीं रोकता, उसके लिए मैं अपनी कसम वापस लेता हूं।